हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम पहुंच गए थे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, तो ट्रेन का वेट करते करते हम हो गए थे बिल्कुल बोर और हो गया था स्नैक्स टाइम। तो संदीप जी लेके आए थे हमारे लिए चाय रेलवे स्टेशन से ही, बट इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब यूजुअली स्टेशन पे मिलने वाली चाय से ये बिल्कुल अलग थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और बेकरी वाले ब्रेड केक हम लेके ही आए थे, यहाँ पे ट्रेन आ रही थी जा रही थी और हमारी ट्रेन का टाइम ही नहीं हो रहा था। 5 मिनट हो या आधा घंटा इंतज़ार का बहुत भारी होता है यार। और यहाँ पे लोग फोटोज़ क्लिक कर रहे थे और ये पापा बेटी देखिए कैसे घूरे जा रहे थे। तो जी यहाँ पे हम इस पुल से चलते हुए आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि लास्ट मिनट अनाउंसमेंट हुई है कि ट्रेन अब इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है 1 की बजाय। तो हमें बहुत ही भागा दौड़ी करनी पड़ी है। यहाँ पे बर्ड्स देखिए कितना प्यारा प्यारा गाना गा रही है। तो गाइज लंबे इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है और ये बिल्कुल खाली होती है और अपनी तेज़ रफ्तार से ये जल्दी ही चंडी मंदिर स्टेशन पे पहुंच जाती है, जहां पे 2 मिनट का स्टॉपेज था। वरना मैं थोड़ी देर यहां पे ज़रूर रुकती, क्योंकि यहां पे हैं पुरानी यादें। पापा मम्मी के साथ मैं चंडी मंदिर रही हूँ सालों पहले और यहाँ पे है चंडी माता का प्राचीन मंदिर, जिनकी दर्शन की लालसा दिल में हमेशा से है। पुरानी बातों में खोए खोए पता भी नहीं चलता और हमारी ट्रेन पहुँच जाती है कालका स्टेशन। चिकू आराम से। तो गाइस यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ के उतर के हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जहाँ पे हमने रिपेयरिंग रूम बुक कर रखा है। गाइस हम रूम पे पहुंच गए और ये हमारा रूम है, जो कि ठीक ठाक है, काफ़ी बड़ा है, एसी भी लगी है और लंबी सी डंडी में लगा है पंखा, जो धीरे धीरे हिल रहा है। और अब हो चला है हमारा पेट पूजा का टाइम, तो पहले खा लेते हैं खाना। और ये रूम जैसे कि मैंने बताया था प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, तो बाहर ट्रेन खड़ी भी नज़र आ रही है। और ये क्या, एसी तो चल ही नहीं रहा है। तो जी अब कर भी कह सकते हैं, एसी के ठीक होने का वेट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम, मैं और चिकू घूम आते हैं, खाना हमने खा ही लिया था। और ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से कल सुबह हमारी टॉय ट्रेन चलने वाली है कालका टू शिमला, और ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो अभी हम थोड़ी देर घूम के वापस चले जाएंगे रूम पे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।